आर्या भट्ट या सेलेस्टी बेरागी, ऐश्वर्या राय या आशिता सिंह, करीना कपूर या अस्मिता गुप्ता, कैटरीना कैफ या अलीना रॉय, देशनामा बॉलीवुड की टॉप हीरोइंस की इन लुक अलाइक से आपको पहले मिला चुका है। अब मिलिए दीपिका पादुकोण से बहुत रिजेम्बलेंस रखने वाली रिजुता देव घोष से। 31 साल की रिजुता मल्टी टैलेंटेड है। कॉर्पोरेट जॉब करने के साथ साथ रिजुता डिजिटल क्रिएटर फैशन इन्फ्लुएंसर भी हैं। रिजुता के इंस्टाग्राम पर 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। कोलकाता में जन्मी रिजुता के इंस्टाग्राम पर उनके फोटो वीडियो देख कोई भी उन्हें दीपिका पादुकोण समझने की भूल कर सकता है। MSc MBA की डिग्री रखने वाली रिजुता का कहना है कि 2008 में जब दीपिका की पहली फिल्म ओम शांति होम रिलीज हुई थी तब वो स्कूल में थी। तभी से लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि वो दीपिका जैसी दिखती हैं। रिजुता ने बचपन में ही डांस क्लासेस लेना शुरू कर दिया था। बांग्ला, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन भाषाएं जानने वाली रिजुता ITC, PwC जैसी बड़ी कंपनियों में काम कर चुकी हैं। रिजुता की 2 मई 2021 को शोभा बाजार राजबाड़ी घराने से ताल्लुक रखने वाले आदित्य देव से शादी हुई। रिजुता और आदित्य पहली बार 2013 में फेसबुक पर एक दूसरे से मिले थे। दीपिका से शक्ल मिलने पर रिजुता कहती हैं कि इसके फायदे और नुकसान दोनों हैं। फायदे में वो आलिया भट्ट की हम शक्ल सेलेस्टी बैरागी का हवाला देती हैं कि उन्हें स्टार प्लस के सीरियल उड़ती का नाम रज्जो में काम करने का मौका मिला। ये अच्छी बात है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लोगों को सपने सच करने में मदद मिल रही है। रिजुता ने हाल में एक एंटरटेनमेंट पोर्टल से इंटरव्यू में कहा था कि सोशल मीडिया पर जहां कई यूजर्स हौसला बढ़ाने वाले कमेंट करते हैं तो कुछ नेगेटिव बातें भी करते हैं, लेकिन ये सब लाइफ का पार्ट एंड पार्सल है और वो हर तरह की प्रतिक्रिया का सम्मान करती हैं। देशनामा के लिए खुशदीप सहगल की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।